Hello friends, today I will discuss about a suit epithelial system. इसमें हम इसकी मॉलिकुलर जेनेटिक्स या बोलें तो सिग्नलिंग पाथवे जो बुस्टियल और क्लेवाटा का होता है वो देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारा सीयूटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया था कि बुस्टियल जीन किससे रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और सीएसआईआर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। पहले सूट एपिकल जो मेरिस्टम होता है, एक तो इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपना मेंटेन मतलब अपनी सेल्स को मेंटेन करके रखता ही रखता है, और जो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टम को अगर हम फ्लावर इंडक्शन करा दें उसका मतलब उसको इंड्यूस करा दें फ्लावरिंग के लिए, तो उसमें फ्लावर मेरिस्टम में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, वेजिटेटिव से वो रिप्रोडक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब फ्लावर डिटर्मिनेंट हो जाता है तो वो फिर आगे और किसी में उसका डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि थ्री लेयर्स होती हैं एपिकल, जैसे मान लो कोशिश करेंगे बनाने की, ये होता है, यहाँ पे तीन लेयर होती हैं ऐसे ही, एक थ्री लेयर्स होती है। ठीक है, तो जो थ्री लेयर्स होती हैं इसे L1, L2, L3, और ये होता है हमारा पेरिफेरल जोन। ये यहाँ पे रिब जोन होता है, ये रिब जोन होता है, ये पेरिफेरल जोन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल सूट मेरिस्टम इस वाले रीजन को। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, और इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुस्टियल जीन कहाँ पे, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे बुस्टियल जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होता है। और तो हम उनको पहले दिखा देते हैं क्या डायग्राम के थ्रू। जैसे तुम इस डायग्राम में देखो, ये हमारा जब हमने जो बताया ये वाला होता है पेरिफेरल जोन, ये वाला भी पेरिफेरल, इधर साइड में भी L1, L2, L3 रीजन, बुस्टियल, ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो गया, ये हमारा लीफ जोन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये हमारी इधर लीफ प्राइमोर्डिया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे इसे बोल देते हैं हम सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, लीफ जोन, पेरिफेरल जोन, और थ्री लेयर्स होती है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले मतलब तीन क्लेवाटा जीन होते हैं, एक बुस्टियल जीन होता है, उसके बाद यहाँ पे और क्या होता है, कभी कभी स्टेमलेस मेरिस्टम जीन की भी बात कर ली जाती है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं क्लेवाटा के बारे में। क्लेवाटा जो होता है, अगर हम बात करें क्लेवाटा की, अगर क्लेवाटा को हम डिफेक्ट कर दें तो क्या होगा, क्लेवाटा थ्री को अगर हम डिफेक्ट कर दें तो जो मेरिस्टम होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसका फिनोटाइप, इससे क्वेश्चन भी बनता है। अगर हम इसको हम म्यूटेंट कर दें तो मेरिस्टम इनलार्ज होगा, या इससे किसी तरह से हम इनहिबिट कर दें तो ये मेरिस्टम इनलार्ज हो जाएगा, मतलब उसकी जो अदर मतलब जो मेरिस्टम एपिकल में मेरिस्टम सेल होती है वो लगातार ग्रोथ करेंगी, उनका कोई डिटर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, तो क्या काज, लार्ज एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल जोन, जो सेंट्रल जोन में होता है तो सेंट्रल जोन का एक्सपेंशन होने लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने लगेगा, क्योंकि उसके पास बुस्टियल, आगे हम इसका इंटरेक्शन बताएंगे, जो क्लेवाटा जीन और बुस्टियल जीन का होता है वो निगेटिव फीडबैक लूप होता है। ठीक है, एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, तो ये चीज अब आगे बताएंगे भी। अब आगे हम बात करते हैं, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आराम से जो बोल रहा हूँ वो आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे क्लेवाटा थ्री हमने क्या बोला, क्लेवाटा थ्री इनलार्ज कर देता है मेरिस्टम को। ठीक है, तो काज भाई लार्ज एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल जोन, मतलब जो सेंट्रल जोन है सेंट्रल जोन का एक्सपेंशन होने लगता है, क्योंकि ये सेंट्रल जोन में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इससे मतलब क्या निकला, जो हमने भी बताया सेंट्रल जोन, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, तो ये क्या करता है सेंट्रल जोन में एक्सपेंशन करने लगता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, तो इसका पॉसिबल मैकेनिज्म ये है कि
इंक्रीज द प्रोलिफरेशन इन सेंट्रल जोन, मतलब जब इसे हम डिफेक्ट करेंगे या इनहिबिट करेंगे तो वहां पे सेंट्रल जोन में जो सेल्स होती है उनका प्रोलिफरेशन स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो री स्पेसिफिकेशन है पेरिफेरल सेल टू सेंट्रल सेल, ठीक है, जो पेरिफेरल सेल होती हैं वो सेंट्रल सेल में री स्पेसिफिकेशन उनका होने लगता है। और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ सेल एट द पेरिफेरल टू ऑर्गेनाइजिंग इनटू ऑर्गन प्रोमोडिया, ठीक है, तो इनकी इन सेल्स की भी एबिलिटी कम हो जाएगी वहां पे। तो ये थ्री पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि अगर हम इसे डिफेक्ट कर देंगे तो वो कैसे सेंट्रल जोन को इंक्रीज करेगा, सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल बोले तो सेंट्रल जोन है उसको कैसे एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे हम कुछ ज्यादा वो नहीं करेंगे, तो आगे हम देखते हैं जैसे कि एक यहाँ पे ये इतने पॉइंट याद रखना, ये पढ़ लेना, लेकिन इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो ये जो थ्री पॉइंट्स हैं इनके बारे में पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनता ही है, बनता भी है, हम आगे क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें तुम्हें सब समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे देखो ये डायग्राम भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तुम इससे समझ सकते हो भी, जैसे अभी जैसे मैंने बताया क्लेबाटा थ्री को मैंने डिफेक्ट किया, अब जैसे ये बाइल टाइप सेम है, ठीक है, बाइल टाइप सूट मेरिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, क्लेबाटा थ्री को नॉक डाउन कर दिया, क्लेबाटा थ्री को जैसे ही नॉक डाउन किया और 24 आवर बाद देखा तो देखो जो ये है ये हमारा सेंट्रल जोन है, जो ऑरेंज कलर या मतलब बोले तो ब्राउन कलर से जो दिखाया गया है वो हमारा क्या है, सेंट्रल जोन है। इसमें देखो धीरे धीरे इससे ज्यादा यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा है ये, ठीक है, लेकिन जब 48 आवर बाद देखा, जब हमने क्लेबाटा 3 को नॉकडाउन किया, नॉकडाउन मतलब जब वहां से हटाया तो देखो कितना बड़ा सेंट्रल जोन और ज्यादा इंक्रीज कर गया, लेकिन जब हम मतलब कंटिन्यू इसे ऑब्जर्व करते रहे तो देखो सेंट्रल जोन की कितनी ज्यादा एक्सपेंड हो गया, सेंट्रल जोन बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो ये होता है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसको बाद में भी फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लेबाटा थ्री जो होता है इनकोड्स स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, याद रखना ये चीजें, क्लेबाटा थ्री जो होता है वो इनकोड करता है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड ड्राइव टू द एपोप्लास्टिक स्पेस वेयर इट मूव्स बिटवीन सेल्स, ठीक है, एंड जो इनकोड्स ए प्रिज्यूम्ड लिगेंड फॉर द हेट्रोमेरिक कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग क्लेबाटा टू एंड क्लेबाटा वन प्रोटीन विच एक्युमुलेट्स द मोर इंटीरियर एल थ्री लेयर। जो क्लेबाटा टू और क्लेबाटा वन होती हैं, जो भी मैंने बताया कि एपिकल मेरिस्टम में L1, L2, L3 लेयर होती है, ठीक है, तो जो ये होती हैं, ये L3 लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लेबाटा वन एंड क्लेबाटा टू, क्योंकि हमारा जो बुस्टियल जीन होता है वो हमारा कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में होता है, बोले तो L3 लेयर में होता है। तो क्लेबाटा वन और क्लेबाटा टू का फंक्शन क्या होता है, दिस इज बोथ आर रिसेप्टर, जो क्लेबाटा वन एंड क्लेबाटा टू होते हैं वो दोनों रिसेप्टर होते हैं। अब जब ये दोनों रिसेप्टर होंगे और क्लेबाटा थ्री को ये मतलब क्लेबाटा थ्री आएगा इस पे बाइंड कर, क्लेबाटा थ्री एक्ट एज अ लिगेंड, ठीक है, और क्लेबाटा टू और क्लेबाटा वन जो होता है, क्लेबाटा वन और क्लेबाटा टू के पास जो होते हैं ये क्या ऐसे होते हैं, ल्यूसीन रिच रिपीट जो होते हैं काइनेज टाइप के ये रिसेप्टर होते हैं, लेकिन जो क्लेबाटा टू होता है उसके पास काइनेज डोमेन नहीं होता है, लेकिन क्लेबाटा के वन के पास काइनेज डोमेन होता है। तो ये याद रखना, ल्यूसीन रिच रिपीट काइनेज डोमेन होते हैं ये, ठीक है, लेकिन क्लेबाटा टू के पास काइनेज डोमेन नहीं होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा है द एक्टिव क्लेबाटा कॉम्प्लेक्स देन निगेटिवली रेगुलेट बुस्टियल, मतलब क्या है, जैसे ये क्लेबाटा थ्री है, मैं यहाँ पे बना देते हैं, ये क्या करेगा, बुस्टियल को निगेटिवली रेगुलेट करेगा, जो बुस्टियल जीन होगा, ठीक है, बुस्टियल जीन को निगेटिव रेगुलेट करेगा। ये याद रखना, ये जो साइन होता है ये इनहिबिशन का साइन होता है ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्लेबाटा थ्री इनकोड्स 96 अमाइनो एसिड प्रिकर्सर प्रोटीन एंड मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ 13 अमाइनो एसिड लॉन्ग एरिबिनोसाइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, जो इसका मैच्योर प्रोडक्ट जो होता है
ये तो प्रकर्सर हो गया, लेकिन जब मैच्योर प्रोडक्ट होता है वो 30 अमाइनो एसिड लॉन्ग और अरेबिनोसाइलेटेड ग्लाइकोपेप्टाइड होती है, ठीक है, अरेबिनो सुगर होती है, ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन की तरह होता है समझ लो ये। अब हम बात करेंगे बुस्टियल, ठीक है। अब बुस्टियल की जब बात करेंगे, देखो यहाँ पे भी बुस्टियल के बारे में बोल रखा एक लाइन, देखो बुस्टियल विच इनकोड्स ऑफ होमियोडोमेन टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कैसा होता है, होमियोडोमेन टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, के द्वारा इनकोड्स होता है। और क्या होता है, इंटरनल पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ क्लेवाटा 3 एक्सप्रेशन, जो क्लेवाटा 3 होता है उसको ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अब हम बुस्टियल जीन के बारे में पढ़ लेते हैं, इस इंपॉर्टेंट बिकॉज 2023 का जो सीयूटी का पीजी का एग्जाम है उसमें बुस्टियल जीन का पूछ लिया कहाँ एक्सप्रेस होता है। तो ये हमारा एपिकल मेरिस्टम में होता है, और एपिकल मेरिस्टम में भी कहाँ, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में, ठीक है। अभी मैंने तुमको डायग्राम में बताया था ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहाँ होता है, देखो प्रेजेंट डायग्राम तुमको दिखा देते हैं, देखो ये है ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये एपिकल मेरिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में हमारा बुस्टियल जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो हम बुस्टियल जीन के बारे में बात कर रहे थे, बुस्टियल जीन एक्सप्रेशन डिफाइन द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। बुस्टियल प्रोटीन एक्ट एज अ सिग्नल टू मेंटेन स्टेम सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद, मेंटेन स्टेम सेल, प्रमोट स्टेम सेल आइडेंटिटी, स्टेम सेल की आइडेंटिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बुस्टियल बाइंड टू एंड एक्टिव वेट्स प्रमोटर ऑफ क्लेवाटा 3, ठीक है, ये क्लेवाटा 3 के प्रमोटर को एक्टिवेट करता है। After this, Clevata 3 encodes a single peptide express in stem cell. इसके बाद क्या होता है, Clevata 3 सिंगल पेप्टाइड होती है और एक्सप्रेस होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल में भी Clevata 3 कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, L1 एंड L2 लेयर में, L1 एंड L2 लेयर बोले तो हमारा सेंट्रल जोन में होता है, ठीक है। अब सूट एपिकल मेरिस्टम मेंटेन्स मॉलिक्यूलर बेसिस, जो क्या होता है, जैसे बुस्टियल एक्सप्रेशन होता है, बुस्टियल क्या करता है, इन सबसेट ऑफ सेंट्रल रीजन ऑफ द मेरिस्टम स्टेबलाइज ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये किसको स्टेबलाइज करता है, बुस्टियल जीन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद क्या करता है, एक्टिव क्लेवाटा 3 एक्सप्रेशन इज ओवरलाइंग आउटर सेल लेयर ऑफ द मेरिस्टम एंड क्लेवाटा 3 नेगेटिवली रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ बुस्टियल बाय द इंटरेक्शन विद क्लेवाटा 1, ये लाइन याद रखना। क्या होता है, क्लेवाटा 3 क्या करता है, निगेटिवली रेगुलेट करता है बुस्टियल जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है, और बाय द इंटरेक्शन ऑफ क्लेवाटा 1, ठीक है। होता क्या है, क्लेवाटा 3 आता है क्लेवाटा 1 के पास, फिर क्या होता है, क्लेवाटा 1 हमारा इनहिबिट कर रहा था बुस्टियल को। देखो अभी हम इसका जो फीडबैक जो इनहिबिशन का डायग्राम आएगा उसमें हम दिखा देंगे, ठीक है। दिस इंटरेक्शन बिटवीन बुस्टियल एंड क्लेवाटा जीन्स रेगुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल इन द मेरिस्टम, जो हमारी स्टेम सेल होती है उनको रेगुलेट करता है, प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करता है। क्योंकि क्या है, अगर मान लो हमारा बुस्टियल जीन लगातार एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या होगा, स्टेम सेल लगातार बनती रहेगी, स्टेम सेल लगातार बनती रहेंगी तो उनका कोई डिटर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेम एपिकल मेरिस्टम है वो हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर दिस बात करेंगे हम सूट मेरिस्टम लेस, एक और जीन है, ये जो जीन होता है वो याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है ये होमियोडोमेन है या क्या है, ये भी क्या है हमारा, ये नॉक्स वन, जो क्लास वन नॉक्स जीन फैमिली होती है उसका ये मेंबर है, ठीक है, और ये भी होमियोडोमेन कंटेन होता है, इसमें भी होमियोडोमेन प्रेजेंट होता है। स्टेम सूट मेरिस्टम लेस जो होता है इज एक्सप्रेस थ्रू आउट द मेरिस्टम, ये पूरे मेरिस्टम में एक्सप्रेस होता है। इट रिप्रेस द सेल डिफरेंशिएशन, ये सेल डिफरेंशिएशन को रिप्रेस करता है एंड इट डाउन रेगुलेटेड इन ऑर्गन प्राइमोर्डिया, ठीक है, ये डाउन रेगुलेट करता इन ऑर्गन प्राइमोर्डिया, ठीक है, ये चीजें याद रखना। इंटरेक्टिंग नेटवर्क ऑफ जीन रिक्वायर्ड फॉर मेरिस्टम फंक्शन, अब जैसे जो जीन इंटरेक्ट नेगेटिव फीडबैक लूप टू रिस्ट्रिक्ट स्टेम सेल नंबर, स्टेम सेल नंबर को रिस्ट्रिक्ट करके, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक लूप होता है, तो होता क्या है, जो बुस्टियल जीन होता है नीड मेंटेन स्टेम सेल, ये स्टेम सेल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब होता क्या, क्लेवाटा 1 एंड 3 इज एक्सप्रेस इन सेंट्रल जोन, ठीक है, क्लेवाटा 1 एंड 3 इज एक्सप्रेस इन, जो अगर हम सिर्फ क्लेवाटा 3 की बात करें तो एक्सप्रेस इन सेंट्रल जोन ऑफ सूट मेरिस्टम इन द आउटर मोस्ट लेयर L1 एंड L2 लेयर में, हमने बोला था कि क्लेवाटा 3 वहां पे एक्सप्रेस होता है। अब हम यहाँ पे इनके डिफेक्ट और वो देख लेते हैं। अगर जैसे एस
मतलब जो हमारा एसटीएम है जीन, स्टेमलेस या सूट लेस, सूट मेरिस्टम लेस जीन है, अगर उसमें हम म्यूटेशन कर दें, अगर उसका म्यूटेशन कर दें, ठीक है, एक्सप्रेशन साइट यहाँ पे दिखाई नहीं कहाँ पे होता है, लेकिन अगर हम इसका जो इस सूट मेरिस्टम लेस जीन है उसमें अगर हम म्यूटेशन कर दें तो फिनोटाइप कैसा आएगा म्यूटेंट का? नॉन फंक्शनल, क्योंकि ये पूरे मेरिस्टम में, एपिकल मेरिस्टम में एक्सप्रेस होता है, तो नॉन फंक्शनल मेरिस्टम बनेगा वहां पे, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर हम क्लेबाटा 3 को, क्लेबाटा 3 जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन कर दें और देखें तो फिनोटाइप देखें तो क्या होगा? इनलार्ज मेरिस्टम कॉज्ड बाय द सेंट्रल जोन एक्सप्रेशन, जो मेरिस्टम होगा वो इनलार्ज कर जाएगा और बाय द सेंट्रल जोन एक्सपेंशन, क्योंकि सेंट्रल जोन एक्सपेंड करेगा, क्योंकि ये कहाँ है एक्सप्रेस, सेंट्रल जोन क्या करेगा, फिर बढ़ जाएगा सेंट्रल जोन, ठीक है। अब गुस्चियल जीन जो होता है ये भी हमारा होम्योडोमेन टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। अगर गुस्चियल जीन को म्यूटेट कर दें तो हमारा क्या होगा? टर्मिनेट एपाइसिस इनिशियली इन ग्रोइंग सीडलिंग, लेटर इकोटिपिक लीफ प्रोमेडिया एंड एक्सिलरी बड एंड प्रोलिफरेशन सजेस्टिंग लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, ये हमारे उसमें करेक्टर देखेंगे, याद रखना। अब होता क्या है, निगेटिव फीड, बार बार यही वर्ड आता है याद रखना, निगेटिव फीडबैक लूप होता है ये हमारा। तो मैकेनिज्म क्या होती है, क्लेबाटा एक्सप्रेशन इज एक्टिवेटेड स्टिल नॉट एग्जैक्टली नोन, बट पुस्टियल इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट सेल देन क्लेबाटा 3, और यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन अब मैं बात करूंगा मेंटेनिंग सूट स्टेमलेस, क्लेबाटा 3 एंड पुस्टियल सिग्नलिंग पाथवे हम बात करेंगे यहाँ पे। इन्वॉल्व्स अ फीडबैक लूप बिटवीन गुस्चियल होम्योडोमेन प्रोटीन एंड लिगेंड रिसेप्टर सिग्नलिंग कास्केड, लिगेंड रिसेप्टर सिग्नलिंग कास्केड बोले तो क्लेबाटा 1 एंड क्लेबाटा 2 जो होता है इनके बीच फीडबैक लूप बनता है, निगेटिव फीडबैक लूप जो बार बार हमारा बाइटा मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये हमारी L1 एंड L2, यहाँ पे क्लेबाटा 1 नहीं दिखाया गया, लेकिन होता क्या है, देखो निगेटिव फीडबैक लूप कैसे है। अब होता क्या है, यहाँ पे क्लेबाटा 3 जैसे ही एक्सप्रेस होगा, क्लेबाटा 3 गुस्चियल जीन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जैसे ही गुस्चियल जीन को इनहिबिट करता है तो ये आपस में एक दूसरे को मेंटेन करके रखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को मेंटेन करके रखते हैं क्लेबाटा, और सेंट्रल जोन को आपस में मेंटेन करके रखते हैं। तो हमारा जो पहले हम L1 L2 भी पहले भी बता चुके हैं, तो देखो सब यहाँ पे लिखा भी साइड में, PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा क्लेबाटा 1 है, क्लेबाटा 3 निगेटिवली रेगुलेट गुस्चियल जीन, ठीक है। लेकिन ये गुस्चियल जीन क्या होता है, स्टेम सेल को मेंटेन करके रखता है। अगर मान लो हम गुस्चियल जीन को इनहिबिट कर दें, क्लेबाटा 3 को एक्टिव कर दें, ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या होगा, जो हमारा बोले तो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होगा वो एक्सपेंड कर, मतलब क्या ऑर्गेनाइजिंग मतलब सेंट्रल जोन जो होगा, सेंट्रल जोन हमारा सेंट्रल जोन में क्लेबाटा 3 एक्टिव रहेगा, लेकिन गुस्चियल जीन होगा ही नहीं। तो गुस्चियल जीन जब हमारा नहीं होगा, गुस्चियल जीन नहीं होगा, और गुस्चियल जीन भी क्या करता है, क्लेबाटा 3 को रेगुलेट करता है, पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। जब गुस्चियल जीन नहीं होगा तो यहाँ पे मेरिस्टम सेल्स नहीं बनेंगी, मेरिस्टम सेल यहाँ पे अपना आइडेंटिटी खो देंगी, तो ये आपस में फिर यहीं पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब आगे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इसके बारे में हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है, जैसे ये हमारा मान लो क्लेबाटा है, ये गुस्चियल जीन, ठीक है, क्लेबाटा बाइल्ड टाइप एंड गुस्चियल म्यूटेशन। अगर हम क्लेबाटा बाइल्ड टाइप लें और गुस्चियल म्यूटेशन कर दें तो नो सैम, मतलब सूट एपिकल मेरिस्टम नहीं हो बनेगा फिनोटाइप में, ठीक है। और अगर हम क्लेबाटा 3 में म्यूटेशन कर दें और बाइल्ड टाइप हमारा गुस्चियल जीन रहे, ये गुस्चियल जीन हमारा है, ये हमारा बाइल्ड टाइप रहे और क्लेबाटा 3 में म्यूटेशन कर दें, तो अगर क्लेबाटा 3 में म्यूटेशन कर दें, ये हमारे कौन से सेंट्रल जोन को मेंटेन करके रखता है क्लेबाटा 3, तो अगर हम इसमें म्यूटेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, सेंट्रल जोन एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला जोन है इसका एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब क्लेबाटा 3 है नहीं, ठीक है, क्लेबाटा 3 म्यूटेंट है, तो इसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये म्यूटेशन वाली ये टेबल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया गया कैसे, मतलब क्लेबाटा 3 होता है वो हमारा L1 L2 में होता है, फिर यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन क्लेबाटा एंड क्लेबाटा 3 का, क्योंकि क्लेबाटा 1 एंड क्लेबाटा 2 जो होते हैं वो एज ए रिसेप्टर वर्क करते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर ये क्लेबाटा 1 इंटरेक्ट करता है
इंटरेक्ट विद रिसेप्टर देन क्लेवाटा 1 इज इनहिबिट अ गुस्चियल जीन, ठीक है। तो इनका कैसा कनेक्शन होता है, क्लेवाटा 3 एक्टिवेट क्लेवाटा 1, ठीक है, एंड दिस इनहिबिट गुस्चियल जीन, ठीक है, ये होता है। अब यहां पे देखो ये फीडबैक भी दिखाया गया है, क्लेवाटा एक्टिवेट्स क्लेवाटा 3 और गुस्चियल इनहिबिट गुस्चियल जीन को, ठीक है, और क्लेवाटा 3 इनहिबिट स्टेम सेल एसटीएम, एसटीएम बोले तो सूट मेरिस्टमलेस जो जीन है, और फिर ये इनहिबिट करता है क्लेवाटा 3 को। तो ये इनका फीडबैक लूप है, ये देख लेना एक बार। इसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो पूछा गया सीएसआईआर 2017 में नवंबर के पेपर में, तो उसमें क्या पूछा है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम साइजिन अरबिडोप्सिस। इन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन दिए, ए से एच तक ऑब्जर्वेशन दिए हैं, और इसके आधार पर बताना है कि इनका जो पाथवे होगा या रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा। अगर तुमने सही से लेक्चर को समझा होगा वो तो तुम अपने आप भी बता सकते हो, लेकिन हम बता देते हैं। जैसे कि हमने बोला था लॉस ऑफ क्लेवाटा 1 जीन लीड्स टू विगरसेम, अब क्या होगा, विगरसेम ही बनेगा, क्योंकि अगर क्लेवाटा 1 को हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, दैट मींस वो गुस्चियल जीन को इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। तो गुस्चियल जीन को जब इनहिबिट नहीं करेगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो एक्सपेंड करने लगा, तो हमारा स्टेम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस लॉस ऑफ क्लेवाटा 3 जीन, क्लेवाटा 3 जीन का भी वही फंक्शन है, गुस्चियल मतलब क्लेवाटा 3 आता है क्लेवाटा 1 के साथ बाइंड करता है और स्टेम को इनहिबिट करता है, गुस्चियल जीन को इनहिबिट करता है, लेकिन अगर हम क्लेवाटा 3 को ही लॉस कर देंगे तो फिर से बिगर हमारा स्टेम बन जाएगा, ठीक है, जो हमने ऊपर डायग्राम में तुमको बताया था। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ गुस्चियल जीन लीड्स टू स्मॉलर स्टेम, ठीक है। अगर हम गुस्चियल जीन को ही लॉस कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, सूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स जो होंगी वो कम बनेगी, जो मेरिस्टम सेल्स होती हैं वो कम बनेगी, मतलब बोले तो स्टेम सेल्स होती हैं वो कम बनेगी, इससे क्या होगा स्मॉलर हमारा वो स्मॉल हमारा स्टेम रह जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टम स्मॉल रह जाएगा, क्योंकि वहां पर टर्मिनेट हो जाएगी ग्रोथ, ग्रोथ कैसी हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। जब हमारी मेरिस्टम सेल ही नहीं बनेगी तो वहां पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, जब टर्मिनेट हो जाएगी तो हमारा स्मॉल बनेगा सेम, ठीक है। लॉस ऑफ क्लेवाटा 1 एंड गुस्चियल लीड्स टू स्मॉलर, वही बात है, जब गुस्चियल जीन हमारा लॉस कर दे तो फिर से स्मॉलर जीन बनेगा, लॉस ऑफ क्लेवाटा 1 एंड क्लेवाटा 3 लीड्स टू बिगर सेम, वही बातें घुमा घुमा के बोली। अब जैसे क्लेवाटा 1 और क्लेवाटा 3 को हम लॉस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इंक्रीज कर जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, सेम बिगर हो जाएगा, ठीक है। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्लेवाटा 3 लीड टू स्मॉलर सेम, ठीक है, अगर हम क्लेवाटा 3 को ओवर एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है, जब हम क्लेवाटा 3 को ओवर एक्सप्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा, गुस्चियल जीन को ज्यादा इनहिबिट करेगा, जब वो गुस्चियल जीन को ज्यादा इनहिबिट करेगा तो हमारी सेल बनेंगे ही नहीं, मेरिस्टम सेल जब नहीं बनेंगे तो हमारा, क्योंकि वो तो एक रेगुलेटेड वे में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अगर हम उसे ओवर एक्सप्रेस कर देंगे, जब बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस कर देंगे तो क्लेवाटा 3 का रिलेशन क्या है, क्लेवाटा 3 जो क्लेवाटा 3 है वो इनहिबिट करता है गुस्चियल को, ठीक है, गुस्चियल को इनहिबिट करता है, जब वो गुस्चियल को इनहिबिट करेगा, अब बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देगा तो गुस्चियल बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, मेरिस्टम सेल नहीं बनेगी, सूट मेरिस्टम सेल जब नहीं बनेगी, मेरिस्टम सेल जब नहीं बनेगी तो हमारा स्टेम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी के आधार पर इन्होंने बोला है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे डिस्क्राइब द रिलेशन अमंग द क्लेवाटा 1 क्लेवाटा 3 एंड, ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें क्लेवाटा 1 एंड क्लेवाटा 3, देखो क्लेवाटा 1 और क्लेवाटा 3 गुस्चियल जीन को एक्टिवेट तो नहीं करते हैं, ये तो तुमको भी पता और मैं पढ़ा भी चुका हूं, अगर इसमें तुमने थोड़ा भी अगर समझा होगा तो लॉस ऑफ क्लेवाटा बोला है, अगर हम क्लेवाटा को लॉस करते हैं तो हमारा सेम बिगर बनता है, बिकॉज ऑफ सेम बिगर कब बनेगा, जब हमारी सूट मेरिस्टम सेल्स जो होती है, मेरिस्टम सेल्स होती हैं वो इंक्रीज करेंगी, ठीक, और यहां पे तो क्या कर रहा है, गुस्चियल जीन को ये एक्टिव कर रहा है, जब गुस्चियल जीन को एक्टिवेट कर रहा है तो सेम साइज, लेकिन इनका इनहिबिशन तो हो ही नहीं रहा, तो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होगा प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा, तो ये पाथवे तो बिल्कुल गलत है, जैसे हमने पाथवे बोला है, ठीक।
अगर हम बात करें तो पहली बात तो क्लेबाटा और क्लेबाटा वन डायरेक्टली इनक्रेंट नहीं होते हैं। एक तो पहली बात ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जो क्लेबाटा थ्री है और क्लेबाटा वन है डायरेक्टली गुस्चियल जीन से इंटरेक्ट नहीं करते। क्लेबाटा थ्री इंटरेक्ट विद गुस्चियल क्लेबाटा वन देन क्लेबाटा वन इज इनहिबिट द गुस्चियल जीन। ठीक है, ये होता है तो इस वजह से ये पाथवे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो क्लेबाटा थ्री डायरेक्टली इनहिबिट क्लेबाटा वन, ये भी गलत है क्योंकि क्लेबाटा थ्री इंटरेक्ट विद क्लेबाटा वन देन क्लेबाटा वन इज इनहिबिट गुस्चियल जीन, ये पाथवे भी गलत है। इसके बाद क्लेबाटा थ्री एक्टिवेट क्लेबाटा वन एंड क्लेबाटा वन इज इनहिबिट गुस्चियल जीन, दिस इज पाथवे इज राइट। अब जैसे क्या है, क्लेबाटा थ्री एक्टिवेट कर दे क्लेबाटा वन को, क्लेबाटा वन इनहिबिट करेगा गुस्चियल जीन को एंड गुस्चियल जीन एक्टिवेट स्मारक से करता है क्लेबाटा थ्री को, तो ये क्या करेगा, एक सही पाथवे है। अगर हम क्लेबाटा थ्री को इनहिबिट कर देंगे या लॉस कर देंगे, जब क्लेबाटा थ्री को अगर हम लॉस कर देंगे, यहाँ पे अब अगर हम पॉइंट उठा के देखें, लॉस बना क्लेबाटा वन, क्लेबाटा वन को अगर हम लॉस कर दें तो गुस्चियल जीन जो होंगे वो एक्टिव रहेंगे और जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में क्लेबाटा थ्री है या क्लेबाटा वन है वो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को डिटरमाइन करके रखता है, सेंट्रल जोन को डिटरमाइन करके रखता है। ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल जोन का एक्सपेंड होने लगेगा, जब सेंट्रल जोन एक्सपेंड होने लगेगा तो हमारा बिगर सैम बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, तो ये पाथवे इज वेरी राइट पाथवे, तो प्लीज। और ये तो बिल्कुल गलत बात है, जैसे हमने अभी पढ़ाया भी है ऊपर, क्लेबाटा वन इनहिबिट नहीं करता क्लेबाटा थ्री को और ये एक्टिवेट नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगर कहीं पे भी पाथवे में कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्लेबाटा वन क्लेबाटा थ्री गुस्चियल जीन से, और मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल वे में समझाने की, तो यहाँ पे ये कहीं पे भी अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट डाउन कर दिए हैं और इसका पीडीएफ हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम में, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।